गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर टॉपिक वीडियो। दिस इज मोमिता। गाइज आज का वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि गाइज आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ DIY वुडन वॉल हैंगिंग सेल्फ, जो फ्लिपकार्ट में अमेजन में आप लोग सर्च करके देख सकती हो। बहुत ही ज्यादा महंगा है। फ्लिपकार्ट में अमेजन में 500 से शुरू करके गाइज 600-700-800 तक भी है एंड आप लोगों को मिल जाएंगे। बट गाइज आज मैं सिंपल तरीके से जो घर पे पड़ी है चीज गाइज वो सब देकर जुगाड़ करके मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। एंड बहुत ही इजी है गाइज, बहुत ही सिंपल एंड इजी ट्रिक्स, इजी आप लोग आराम से कर सकती हो। तो गाइज आज होने वाला है कबाड़ से जुगाड़। ओके गाइज, तो घर में पड़ी हुई चीज से बहुत ही अमेजिंग सेल्फ बनाने वाला हूँ हम लोगों ने। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करके वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हाँ, इसके पहले गाइज जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। ओके गाइज चलिए ज्यादा बकबक ना करके वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये जो वुड की पीस गाइज ये मेरी घर पे पड़ी थी गाइज, यही वाला मैं वुड की पीस यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे देखिए गाइज मैं मेजरमेंट कर लिया एंड गाइज 3 पीस इसको करने वाला हूँ। एंड जो छोटी ये भी मेरी घर पे पड़ी हुई थी इसको भी मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ डिफरेंट सेल्फ बनाने के लिए। यहाँ पे ये वाला वुड को मैं 4 पीस करने वाला हूँ। एंड गाइज आप लोग भी आप लोगों की घर पे जो भी पड़ी है जो भी वुड की पीस है वो यूज कर सकती हो। यहाँ पे मेरी बहुत ही थिन लेयर की है तो यहाँ पे आप लोग मोटी लेयर की वुड पीस यूज करना। ओके गाइज देखिए आप लोग जो बड़ी वुड की पीस था गाइज वो वाला वुड को तीनों भाग कर लिया एंड सभी वुड पीस की चारों धार एरिया पे आप लोग देख सकती हो होल भी यहाँ पे मैं कर लिया। उसके बाद घर में पड़ी हुई कोई भी रोप ले सकती हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ये वाला रोप मैं यूज कर रहा हूँ। आप लोग कोई भी रोप यूज कर सकती हो। एंड गाइज देखिए यहाँ पे मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ एंड मेजरमेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला सेल्फ के लिए, इसलिए गाइज स्केल की मदद लेना एंड बहुत ही अच्छे से चारों पीस रोप को मेजरमेंट कर लेना। मेजरमेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करना नहीं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाला है हैंग करने के टाइम। जितनी अच्छे से आप लोग मेजरमेंट करेंगे उतनी अच्छे से वो हैंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट कर लिया, इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे होल पे मैं सेट कर रहा हूँ। इसके बाद रोप को नट कर रहा हूँ एंड बहुत ही इजी है ये वाला नट, कोई भी लोग बना सकती हो तो कर लेना। इसके बाद लास्ट में मैं थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, देखने में अच्छे लगेंगे। यहाँ पे टसल वगैरह भी आप लोग यूज कर सकते हो, बट ये रोप को मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ। तो इसके बाद गाइज देखिए जो छोटी वुड की पीस था इसको मैं 5 पीस कर लिया एंड बहुत ही छोटी क्यूट क्यूट सा पीस बन के हम लोगों को रेडी हो गई। एंड यहाँ पे भी मैं ये वाला रोप यूज करने वाला हूँ एंड सेम मेथड करने वाला हूँ। मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो बहुत ही अच्छे से मेजरमेंट कर लेना चारों को, इसके बाद नॉट बांधना। ओके एंड गाइज जो रोप यूज करना थोड़ा अच्छी क्वालिटी की रोप यूज करना क्योंकि गाइज इसको हैंग करके रखना भी पड़ेंगे ना, तो हैंग कर दिया टूट के पड़ गई ये बहुत ही प्रॉब्लम होगा, इसलिए थोड़ी अच्छी वाला रोप यूज करना। एंड ये वाला जो हैंगिंग सेल्फ है गाइज ये मेरी विंडो की एक साइड में लगाने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो लास्ट में सर में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइज आप लोग देख लिया कितनी इजी एंड सिंपल है, छोटी बच्ची भी ये वाला वॉल हैंगिंग बना सकती है एंड बहुत ही इजी है। बट यहाँ पे मैं जेहतु मैं ऑनेस्ट आप लोगों को हमेशा ही बोलती हूँ तो कुछ चीज बताने वाला हूँ। वो है गाइज यहाँ पे मैं जो वुडन यूज किया हूँ ये बहुत ही थिन लेयर की है, इसलिए मेरी बहुत ही प्रॉब्लम हुआ है इसको सेट करने के लिए। इनफैक्ट गाइज मेरी एक फोटो फ्रेम टूट गई, इसकी जो ग्लास है ये भी टूट गई थी। इसके बाद फिर मैं ये फ्रेम बनाया एंड जो ये वाला जो पिछवाई पेंटिंग गाइज ये भी टूट गई। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं जुगाड़ करके इसको सेट करके रखा हूँ बट ये टूट गई। ओके यहाँ पे देख सकते हो, तो इसलिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना पड़ेंगे, तो आप लोग बहुत ही थिन लेयर की जो वुडन है गाइज ये अवॉइड करना, थोड़ा मोटी लेयर की वुड यूज करना जब आप लोगों ने हैंगिंग कर दिया ये वाला सेल्फ को। इसके बाद बहुत ही अच्छे से एडजस्ट करके देखना हिल रहा है क्या गिर रहा है, तो बहुत ही अच्छे से देखना। तो पेंटिंग बा कोई भी चीज हो तो आप लोगों की कीमती चीज होती है गाइस, तो टूट गई तो बहुत ही बुरा फील होती है, इसलिए गाइस पहले बहुत ही अच्छे से चेक कर लेना। ओके चेक करने के बाद आपकी पसंद की चीज उस पर रखना, यही दो चीज आप लोग फॉलो करना, नहीं तो गाइस
अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, सस्ती भी है, आप लोग घर पे इजीली बना भी सकती हो। एंड गाइज जो फ्लिपकार्ट से आ रही है वो वाला चीज़ मैं तो नहीं मंगाया, तो मेरे आइडिया नहीं है, तो मेरे को लगता है वो भी के पहले आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सेट करना पड़ेंगे। आई थिंक उस पर भी सेम चीज़ होने वाला है, क्योंकि गाइज जो मेजरमेंट है गाइज चारों जो एरिया की, वो मेजरमेंट बहुत ही ध्यान से आप लोगों को करना पड़ेंगे एंड बहुत ही अच्छी करना पड़ेंगे। एंड जो छोटी मैं बनाया ये बहुत ही क्यूट है, एंड आप लोग देख सकती हो आपकी जो विंडो है गाइज विंडो की एक साइड पे रखना एंड बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है। एंड लास्ट में तो मैं आप लोगों को फुल सेट दिखाने वाला हूँ कैसे लगा है, तो मस्ट कमेंट करके बताना कैसे लगा है एंड गाइज फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। एंड आज के वाला वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो मस्ट लाइक भी कर देना, एंड जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। तो गाइस चलिए फिर मिलेंगे एक नया वाला इंटरेस्टिंग कोई भी मजेदार पेंटिंग क्राफ्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना, बाय।